केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया अग्निपथ योजना, और उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं आंध्र प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई। किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं होता, उनके मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए, उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे। अरे प्रशासन क्या करेगा, नीतीश कुमार की प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति और देश में गुड गवर्नेंस के का उनको पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। कि प्रशासन बीजेपी कार्यालय को क्यों जलाएगी? केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया अग्निपथ योजना, अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई, और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया सड़क पर आकर। यह अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता है, हिंसा का स्थान समाज में नहीं है, हिंसा के कदम को कोई भी उसकी उसको स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए, उनके मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए, उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे। अरे प्रशासन क्या करेगा, प्रशासन को कहां से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से, लेकिन आपके जो आक्रोश से जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन थोड़ा अपने को संतुलित करिए, जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं और देश में गुड गवर्नेंस के का उनको पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं, वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं, मरवा दें हजारों लोगों को, वहां की सरकारों को? संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं है।